लीजिए इस हफ्ते की असली वाली टीआरपी यानी कि बाक टीआरपी रेटिंग्स का फैसला भी आ गया है। बाक रेटिंग को असली वाली टीआरपी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसी टीआरपी में टीवी देखने वाली ऑडियंस का डेटा बताया जाता है, यानी ये उस जनता की टीआरपी है जो टीवी देखकर अपने शो को पॉपुलर बनाती है। तो आइए इस हफ्ते यानी कि 2020 के सातवें हफ्ते की बाक टीवी टीआरपी में कौन है नंबर वन पर और कौन कौन से शो हो गए हैं टॉप 10 से बाहर, ये हम आपको बताते हैं। देखिए सबसे पहले तो नंबर 10 पर है टीवी शो शक्ति अस्तित्व के एहसास की। काफी समय से टॉप 10 से बाहर रहा ये शो फिलहाल टॉप 10 में लौट तो आया है लेकिन आखिरी पायदान पर है। 9th पोजीशन पर है मिष्टी और अबीर की लव स्टोरी, ये रिश्ते हैं प्यार के। पिछले हफ्ते इनकी शादी के ट्रैक से शो की टीआरपी तो बढ़ी लेकिन टॉप 5 में फिर भी ये शो शामिल ना हो सका। 8वें नंबर पर है ये रिश्ता क्या कहलाता है विद 6,423 इंप्रेशंस। ये शो कभी लगातार नंबर 1 या नंबर 2 की पोजीशन पर हुआ करता था लेकिन धीरे धीरे ये शो अपनी रफ्तार खोता जा रहा है। 7वें नंबर पे है इंडियन आइडल 11। नेहा कक्कड़ और आदित्य के किस्से कहानियों की वजह से शो को टीआरपी में अच्छा खासा फायदा मिलता दिखाई दिया है। वही 6 पोजीशन पर है छोटी सरदारनी। टीआरपी में कभी नीचे तो कभी ऊपर उठने वाला ये शो फिलहाल अच्छा खासा पॉपुलर हो रहा है। 5th पोजीशन पर है नागिन 4 जो कि धीरे धीरे ही सही लेकिन एक बार फिर से पिछले सीजन की तरह पॉपुलर होता जा रहा है। 4th पोजीशन पर है कॉमेडी ड्रामा तारक मेहता का उल्टा चश्मा। इस शो की एक सेटल ऑडियंस है जो इसे कभी भी मिस नहीं करती और यही वजह है कि ये शो हमेशा टॉप पर दिखता ही दिखता है। नंबर 3 पर है एकता कपूर का कुमकुम भाग्य जहां अभी और प्रज्ञा की प्रेम कहानी लोगों को काफी पसंद आ रही है। चलिए अब बात करते हैं नंबर 2 की। तो नंबर 2 पर मौजूद है टीवी शो कुंडली भाग्य। शो के मेल लीड धीरज कपूर और श्रद्धा आर्य की कहानी तहलका मचा रही है और लोगों को काफी पसंद आ रही है। और अगर बात करें नंबर 1 शो की तो इस हफ्ते बाक टीवी रेटिंग में नंबर 1 पर रहा है टीवी शो बिग बॉस। बिग बॉस के ग्रैंड फिनाले को रिकॉर्ड तोड़ लोगों ने देखा और इसमें चलने वाली लाइव वोटिंग ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। तो ये थी इस हफ्ते की बाक टीवी टीआरपी रेटिंग। अगले हफ्ते देखते हैं कौन सा शो जाता है नंबर 1 पर और कौन सा होता है टॉप 10 से बाहर।